सलमे पुल के पास एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर जीएमसी हॉस्पिटल के शवगृह के बाहर। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज सुबह सलमे पुल के पास एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। उसके शव को यहां पे शवगृह में रखा गया है, पुलिस द्वारा यहाँ पर रखा गया। लेकिन मैं आपको फिर बता दूँ कि ये विशाल गाँव का ये रहने वाला था, लेकिन उनके परिवार के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कहीं ना कहीं देखें तो उनकी उम्र 50 साल के करीब बताई जा रही थी। लेकिन मैं आपको फिर ये बता दूं कि उनके सारे घर वाले यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन इनसे मैं बात करना चाहूँगा, इनसे पूछना चाहूँगा कि आखिर मामला क्या हुआ है, कितनी उम्र थी। क्या नाम थोड़ा? मेरा नाम दर्शना देवी। क्या लग रहे थोड़े? मेरे घरे वाले ना। हाँ, बेड़ा गर्क करू रहा सारा। गल की होनी है साढ़े हूँ 2 महीने में ऑपरेशन कराया हाँ ऑपरेशन कराया में 10-20 हज़ार स्कूल काम करनी हूँ। स्कूला चुकी चुकी मेरी गुआई दी जा स्कूले की किन्ने पैसे उतना चुकी चाड़िए में लाए इधर ठीक ठाक थे, बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। ये उतना लड़ने कोई साड़ी रिश्तेदारी भी नहीं है, नहीं कोई आखो तो खास रिश्तेदारी है। और उत्थे गया उसने 2 महीने हुए उनके घर है, आई 4-5 दिन हुए घर आए। घर आइए तो बूट धोवा दे अपने बूट धोवा दे बंदा पिछे आई गया, पिछे आइए तो छिड़का फोन लगा करना अहें तुस इतने तू अहें कुछ तू अहें अं घर गया अहें घर अहें अहें आ फटाफट छिड़की अहें छिड़की आई गया अहें फटाफट अहें आइए जरा आइए अहें आई गया अहें अरे फिर आखना है तू अहें बूट इतने धोने तू कि उत्थे पानी नहीं है लड़न पुले पर अहें उत्थे नहीं है पानी उत्थे नहीं धोई सकता तू बूट अहें चल चल आ फटाफट। इसने दूई गल नहीं की मेरे घरे आह इसने उमां खिट ला उड़ी बूट सुट्टे उत्थे गए खिट ला उड़ी गए उत्थे हट्टिया बैठे थे। फिर सीधे अं छिड़के धोड़ी गई छिड़के धोड़ी गई दिखा मैं महा कोई सैड जंदे लड्डर आली सैड जंदे या कोई जंदे फिर हट्टिया जाइए पुछा मैं महा कौन था इतने बंदा बैठा अहें ताऊं अजकल लड़ना वह बैठे ओह्दे कन्नै गया अगे ही अहें ऐं फिर अं चुप रही घरे उठी आई बस। फिर वह उस दिन गए फिर कोई 5-6 दिन फिर ओह्दे बाद घरे आए 5-6 दिन फिर आए घरे राती उन्हें 4-5 दिन घरे आए। बड़ा बड़ा हमला किया उन्हें घर कुकड़ कुकड़ नहीं होंगे असें चूचे कढ़ाए नी कुकड़े ने वह कुकड़ लैते कुकड़िया हेठा त्रै कुकड़ उत्थे इ'यां इ'यां चाकू कन्नै बड्डू उड़े इ'नें गै चाकू कन्नै बड्डू उड़े राती कोई 1-2 बजे चाकू लैते दा हा। फ्ही चाकू लेइयै कदें नुहाड़े उप्पर औन कदें मेरे उप्पर औन पूरे रात तुस मेरे म्हल्ले दियां गवाहियां दोआओ तुस मेरे म्हल्ले घर उ'नें पुच्छो ऐं ते ओह् चाकू लेई लेइयै मेरे उप्पर औन बडलै चाकू चुक्कियै अ'ऊं लंबड़दानियां घरै चली सवेरे सवेरे सवेला सदी महां लंबड़दानियां सनानियां रातीं नेहा हमला करा दे भाई कल्ले केड्डी कोई उ'ऐ अपने अपने उप्पर गै कोई हमला करून जां कोई किश उ'ऐ नेहा पंगा करून असें असें हून पता लग्गा अस घर आवाने अस घर आवाने उ'नें हां उत्थें कल्ले बड्डे बारे गेदे इक्कै दिन रात कट्टी घर ओह् बी रातीं 11 बजे आए अंदर करतार चंद उम्र कोई 50 साल है विशाल हां डिमांड हून यह है मारे दा उन्हें घर शराब पलै दी शैल रज्जी शराबा पीती दियां ने और मरी दा और सुट्टे दा ने इत्थे लड़ने पुले पर और इंदा भ्रा भी ने भ्रा एक मरिया इंदा जवान भ्रा उंदे नाल 2-3 बच्चे रही दे वह भी इन्हें जुड़ी मिलियै मरा दा इत्थे नहरी पर सुट्टे दा वह मेरे साढ़े इसी इन्हें गै लभ्या पीती दी पलै दी शराबा पींदे हे सारे शराबा पींदे और शराबा पींदे एह् नहीं आखदी शराबा पींदे ओह् भी पींदे होने इंदे कन्नै म्हीना डेढ होया उन्हें उत्थे जांच करनी असें इन्हें थोड़ी छोड़ना है ना डैडी हो मेरे सुनील कुमार। देखिए मैं आपको फिर ये बता दूं कि उनका नाम करतार चंद बताया जा रहा है और विशाल गांव के ये रहने वाले थे। लेकिन डेड बॉडी उनकी सलमे पुल के साथ मिलती है। घर वालों का कहना था कि कुछ लोग उनके साथ रहते थे जो कि उन्हें आए दिन शराब पिलाई जाती थी, इसी कारण उनकी मौत हुई है। लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि जांच कमेटी बननी चाहिए, कोई जांच होनी चाहिए ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कि उनके परिवार के ये लोग हैं, उनकी धर्म पत्नी है, उनका बेटा है और एक बेटी भी है इनकी, एक लड़की और एक लड़का है ये पीछे। 50 साल उम्र उनकी बताई जा रही है। लेकिन आज सुबह पुलिस द्वारा उस शव को बरामद किया गया, पुलिस यहाँ पर लेकर आई। जीएमसी का जो शव गृह बना हुआ है इसके अंदर उसे डेड बॉडी कर रखा गया। लेकिन पोस्टमार्टम होने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर करतार चंद के साथ क्या हुआ है, किस तरह से उनकी मौत हुई है। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।